दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह बताए जाते हैं। इससे पहले इनकी संख्या 9 गिनी जाती थी, लेकिन 2006 में प्लूटो को इन ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और हमारे सौरमंडल में बच गए केवल 8 ग्रह। इन ग्रहों में बुध जो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, उसके बाद शुक्र जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी जो हमारे सौरमंडल का मात्र ऐसा ग्रह है, यूं कहें हमारी गैलेक्सी का मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, मंगल जहां पर भविष्य में जीवन पनपने की संभावनाएं जताई जाती हैं, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, शनि हमारे सौरमंडल में इकलौता ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले दिखाई देते हैं, यूरेनस और नेपच्यून हमारे सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है। इसके अलावा सौरमंडल में 3 बौने ग्रह और है जिनका जिक्र है, जिनका नाम है सेरस, प्लूटो और एरिस। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनमें से केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, और तो और आप पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जाने की कल्पना तक नहीं कर सकते। इसमें 2 ग्रह तो ऐसे हैं जहां हीरे की बारिश होती है, यानी कि आप लालची हैं तो वहां जाना चाहिए, लेकिन वहां हीरे किस तरह से मिलते हैं यह सबसे बड़ी समस्या है। और एक ग्रह तो ऐसा है जहां बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं और आप पल भर में ही तूफान का मलबा आपके अंदर से पार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम इनमें से केवल एक ही ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसकी जानकारी सुनने के बाद आप सच में हैरान रहने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपच्यून ग्रह की, और ये उस समय की बात है जब हमारे सोलर सिस्टम में 7 प्लेनेट हुआ करते थे। उस समय वैज्ञानिकों ने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट यूरेनस एक खास जगह पर आकर अपनी मूवमेंट में थोड़ी गड़बड़ी कर रहा है, यानी कि कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखकर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स काफी परेशान हो गए, क्योंकि हमारे सभी सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स न्यूटन के बनाए गए ग्रेविटी के लॉ पर काम कर रहे हैं, लेकिन यूरेनस इकलौता ऐसा ग्रह है जो न्यूटन के बनाए हुए ग्रेविटी लॉज को फॉलो ही नहीं करता और एक खास जगह पर आकर अपनी मूवमेंट बदल रहा है। ये सब देखने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने यहां तक कह दिया कि शायद न्यूटन के लॉज ही गलत हैं। इसके बाद से ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यूरेनस की स्टडी करना आरंभ कर दिया, जिसमें से एक थे अर्बेन लिबेरियर, जो कि यूरेनस को दिन रात स्टडी कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा था, कहीं ना कहीं उन्हें शक था कि जिस जगह पर यूरेनस अपनी मूवमेंट बदलता है उस जगह पर कोई ना कोई प्लैनेट या बड़ा स्टार जरूर मौजूद होगा। इसी के चलते एक रात अर्बेन गहरी सोच में चले गए। उन्होंने अपने हाथ में पेन पेपर पकड़ा और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लग गए। काफी समय के बाद उनकी कैलकुलेशन खत्म हुई तो वो यूरेनस के पास एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं। उन्हें लग रहा था इस पॉइंट पर जरूर कोई बड़ा प्लेनेट छुपा हुआ है जिसका साइज भी बड़ा है। उनकी बात पर पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उनकी कैलकुलेशन को ऑब्जर्व किया गया तो ठीक उसी पॉइंट पर वहां एक बड़ा सा नीला ग्रह दिखाई दिया जिसका साइज भी यूरेनस के समान ही है, यानी कि अर्बेन की कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। यहां सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट मिल गया था जो कि एक रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का मात्र ऐसा ग्रह है जिसको किसी टेलीस्कोप या स्पेसक्राफ्ट की मदद से नहीं खोजा गया, बल्कि एक मैथमेटिकल तरीके से खोजा गया है। यह तो हुई नेपच्यून के मिलने की बात। अब बारी आती है इस ग्रह को और अच्छे से समझने की और उसके राज से पर्दा उठाने की। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है जो कि सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मौजूद है। इसलिए अगर अर्थ से किसी स्पेसक्राफ्ट को नेपच्यून पर भेजा जाएगा तो उसे यहां पहुंचने में 12 साल लग जाएंगे। दोस्तों, अभी तक नेपच्यून पर गया कोई नहीं है। हाँ, नासा का एक स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था वॉयेजर 2। वो यहां से गुजरा जरूर था और उसने अपने फ्लाईबाई के थ्रू ही बहुत सारी जानकारियां इस ग्रह के बारे में हमसे साझा की थी। वॉयेजर 2 1989 में नेपच्यून के सबसे करीब जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था और उसकी नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लग गए थे। वॉयेजर 2 नेपच्यून के आसपास करीब 4 महीने तक उड़ता रहा और इन 4 महीने में उसने हमें नेपच्यून से जुड़ी बहुत सारी जानकारी पहुंचाई। जैसे सैटर्न और यूरेनस की तरह नेपच्यून के गिर्द भी 5 छल्ले हैं जो कि बहुत ज्यादा धुंधली दिखाई देती है। हमारी पृथ्वी का केवल 1 चांद है, जबकि नेपच्यून के 1 या 2 नहीं बल्कि 14 मून्स हैं, जिनमें से कुछ चांद तो बर्फ के बने हैं।
और जो सबसे अजीब चांद है वो है ट्राइटन। ये नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है जो किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। ट्राइटन नेपच्यून का ऐसा चांद है जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में मूव करता है, यानी जिस डायरेक्शन में नेपच्यून मूव करता है ट्राइटन उसकी उल्टी दिशा में घूमता है, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह है। यहां का तापमान -391 जो कि प्लेनेट यूरेनस से भी ज्यादा ठंडा है। इसी वजह से ट्राइटन पर जो वोल्केनो है उनके अंदर से लावा नहीं बल्कि बर्फ निकलती है। ये सुनने में अजीब है, साथ ही काफी डराने वाला भी है, क्योंकि अगर आप ट्राइटन पर होते हैं तो आपका शरीर जम जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन भी सेकेंडों में रुक जाएगा। फिर आपको क्या क्या कटवाना पड़ सकता आप खुद सोचिए। चूंकि दोस्तों नेपच्यून सबसे आखिरी प्लेनेट है और इसी वजह से इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में हमसे ज्यादा समय लगता है, यानी सूरज की परिक्रमा करने में से पूरे पृथ्वी के 165 साल के बराबर समय लग जाता है। साथ ही नेपच्यून पर एक मौसम पूरे 141 साल का होता है और सूरज से दूर होने की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी भी काफी कम पड़ती है। दोस्तों अगर भविष्य में हम कभी यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं या सोचें तो हम यहाँ पर कभी नहीं जा सकते। इसकी दो वजह है, पहली ये कि नेपच्यून एक गैस प्लैनेट है और दूसरा ये कि नेपच्यून पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं जो कुछ हफ्तों से लेकर 100 सालों तक चलते रहते हैं। इन दोनों वजहों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 4 रॉकी प्लैनेट है, यानी कि जहां पर धरातल है, और 4 गैसी ग्रह हैं। इनमें रॉक प्लैनेट पथरीले होते हैं और यहां लैंड करने के लिए एक सरफेस होता है, जैसे हमारी पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र ग्रह पर। सोलर सिस्टम के पहले 4 ग्रह पर जमीन है जहां पर लैंड किया जा सकता है, जहां पर उतरा जा सकता है। गैस प्लैनेट वो हैं जिन पर लैंड करने के लिए प्रॉपर सरफेस ही नहीं है। ये प्लैनेट या तो खतरनाक गैस से बने होते हैं या फिर बर्फ और पानी से बने होते हैं। सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून गैस ग्रह हैं। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा गैस प्लैनेट है, जिसकी वजह से वहां का एटमॉस्फेयर बाकी सभी ग्रहों से काफी घना है। यहां लैंड करने के लिए कोई प्रॉपर सरफेस नहीं है क्योंकि इसकी सतह पानी और बर्फ से बनी है जो कि 17,500 किलोमीटर गहरी हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के कोर का तापमान 5100 डिग्री सेल्सियस है, जिसका कंपैरिजन सिर्फ सूरज के साथ किया जा सकता है। यानी नेपच्यून जितना ऊपर से ठंडा है उससे हजारों गुना अंदर से गर्म है। नेपच्यून को अभी तक केवल ऊपर से एक्सप्लोर किया गया है, न जाने इसके अंदर कितने ही भयानक रहस्य छिपे हैं जो कि आने वाले समय में वैज्ञानिक खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट था नेपच्यून पर सबसे बड़े तूफान, जो कि स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। ये तूफान नेपच्यून पर हर समय चलते रहते हैं। जैसे जुपिटर पर एक ग्रेट रेड स्पॉट है, वैसे ही नेपच्यून पर भी एक स्पॉट है जिसका नाम द ग्रेट स्पॉट है। साइंटिस्ट का मानना है कि द ग्रेट स्पॉट नेपच्यून पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े तूफान है, जिनकी स्पीड अब तक रिकॉर्ड होने वाले सभी तूफानों की स्पीड से ज्यादा है। ये स्पॉट इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी अर्थ पूरी की पूरी समा जाएगी। तो दोस्तों ये दो मेन रीजन है जिनकी वजह से नेपच्यून पर कभी भी लैंड नहीं किया जा सकता। अब बारी आती है कि नेपच्यून किस चीज से बना है और कितना बड़ा है। नेपच्यून का साइज वैसे तो यूरेनस जितना ही है, लेकिन इसे थोड़ा सा छोटा है। यूरेनस की तरह नेपच्यून की चौड़ाई भी हमारी पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा है। नेपच्यून के अंदर भी हमारी अर्थ की तरह 50 ऐसे प्लैनेट समा सकते हैं। नेपच्यून पहला ऐसा गैस प्लैनेट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ से काफी सिमिलर है। इसकी वजह है अगर अर्थ पर आपका वजन 45 किलोग्राम है तो नेपच्यून पर 50 ही होगा। अर्थ पर एक दिन 24 घंटे का होता है और वहीं नेपच्यून पर एक दिन 16 घंटे का होता है, यानी नेपच्यून की रोटेशन अर्थ से काफी ज्यादा फास्ट है। नेपच्यून के ब्लू कलर पर तो आपका ध्यान जरूर गया होगा, असल में इसके ब्लू कलर की वजह है मीथेन गैस। नेपच्यून पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है जो कि सूर्य से आने वाली लाल रोशनी को ऑब्जर्व कर लेती है और फिर नीली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। यही वजह है कि नेपच्यून ब्लू कलर का दिखाई देता है। जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि सौरमंडल के 2 ग्रहों के बारे में जहां हीरे की बारिश होती है, तो उसमें एक नाम नेपच्यून का भी शामिल है और दूसरा है यूरेनस। साथ ही हमने आपको बताया था नेपच्यून को सबसे पहला अर्बेन ने खोजा था, लेकिन दोस्तों उनसे पहले भी एक शख्स था जिसने नेपच्यून को खोजा था और ये शख्स थे
टेलीस्कोप के इन्वेंटर और एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो, जिन्होंने 1613 में नेपच्यून को देख लिया था। लेकिन उन्हें ये एक स्टार लगा था और उन्होंने इसकी बहुत सारी ड्राइंग भी बनाई थी। हालांकि उन्होंने इसे स्टार के रूप में देखा था। इसके बाद अरबेन ने ही नेपच्यून को एक ग्रह के रूप में खोजा था और इसलिए इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।